आप लोगों को तो पता ही होगा जो 2019 या 20 का ये पैंडेमिक का जो भी सिचुएशन था उस समय सभी देश लॉकडाउन हुआ, मतलब पूरा विश्व। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी था और महामारी था, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने सारे फैक्ट्रीज सभी कुछ ऑफिसेस सभी कुछ उन्होंने बंद किया था। तब के टाइम में हमने देखा हमारे दार्जिलिंग के लोगों को कुछ दिन उनको छुट्टी दिया, पेड लीव दिया, और उसके बाद में उनको स्टेट गवर्नमेंट ने बोला, ममता बनर्जी मैडम ने बोला 25% लगाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला 50% लगाएंगे, फिर हमारे लोगों को 100% अल्टीमेटली गार्डन में उतार दिया विदाउट प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज, विदाउट एनी कुछ भी उनको नहीं मिला। जो भी पैंडेमिक एक्ट 2005 के तहत जो भी उनको प्रिकॉशंस वगैरह मिलना चाहिए था, क्योंकि तब हमने देखा कि अरे हम तो डर से घर में ढुके हुए हैं, घर के अंदर बैठे हुए, हमारे लोग इतना ग्रुप में झुंड में वो गार्डन्स में जा रहे हैं, उनको पैंडेमिक का असर नहीं होगा, उनको कोरोना वायरस नहीं लगेगा। और उस पर क्या था कि इनको ग्रुप में काम करना पड़ता था जगह जगह, तो एक ग्रुप को अगर कोरोना को एक ग्रुप को लगा दिया तो पूरा दार्जिलिंग को डिस्ट्रॉय होने का चांसेस था, तब की इतना टेंशन था। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में, जिसमें हमने ये लिखा कि हमारे दार्जिलिंग में इतनी बुरी तरह से हरकत हो रही है स्टेट गवर्नमेंट का और लोग इसको ध्यान नहीं दे रहे करके, हमने एक बार मेरे नाम से वंदना राय के नाम से एक पिटीशन हमने सुप्रीम कोर्ट में दर्ता किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि आप इस चीज़ को चीफ सेक्रेटरी को लिखो, स्टेट गवर्नमेंट को लिखो। फिर हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को हमने रिप्लाई वेट किया, फिर हमें रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद में हमारे टीम का न्याय एनजीओ का जनरल सेक्रेटरी संगीता लिंबू है, उनके नाम से फिर हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला। तो उस टाइम में हमने सलमान खुर्शीद सर से लेके सारे टॉप लॉयर सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिशन कराने के लिए लगाया था, उन्होंने भी बोला कि आप चीफ सेक्रेटरी के पास चले जाओ। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग पूरा टेंशन में थे, तो कैसे करें। एक पिटीशन जो चाय बगान के लिए ऑलरेडी चल रहे थे, जो 2006 में उनको वो किया था, एडमिशन किया हुआ था, तो ऑल ओवर इंडिया जैसे साउथ इंडिया के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरा चल रहे थे, और टूअर्स और तराई के 29 गार्डन्स के लिए भी चल रहे थे। उस पे हम इंटरवेनर एप्लीकेंट बन के घुसे कि सारे ये चीज़ जो भी इश्यूज है इस पे हमने ये जो जब हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला तो पीएफ का घोटाला, क्योंकि हमने आरटीआई वगैरह किया था तो पीएफ का घोटाला इनका करोड़ों में है, पीएफ का घोटाला हमने देखा। फिर ग्रेच्युटीज जो भी फ्रेंच बेनिफिट्स है प्लांटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे गम्बूट का, जैसे हम लोग हमारे वर्कर्स गार्डन में जाता है उनके लिए टोकरी होता है, उनको डोको बोलता है, डोको का कॉस्ट, गम्बूट का कॉस्ट, विंटर में ब्लैंकेट का, ये वुड्स का, लकड़ी का, राशन का, सभी कुछ देखा हमने, इन्वेस्टिगेशन किया, तो हमें कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में हमने ये सब कुछ भी प्रेयर में डाला है। फिर हमारे मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 362 रुपीज़, वो उससे भी कम में हमारा है, तो एक स्टैंडर्ड वर्कर का, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ह्यूमन राइट्स कहते हैं कि एक घर में एक बंदे का इतना इनकम होना चाहिए कि एक का सैलरी से परिवार चार परिवार पाल सके। तो ये सारे चीज़ों का भी वहाँ पे काफ़ी इरेगुलरिटीज़ थे, तो ये सारे प्रेयर डाल के हमने सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाला, तो हमारे दर्ता हो गया। तो इसके लिए जैसे ये 29 गार्डन तराई दो, ये कमीशन उधर भी गए थे, आसाम भी गए थे, केरला भी गए थे, और ये तराई डुअर्स के लिए सिलीगुड़ी में सर्किट हाउस में आए थे, और यहाँ पे भी इसी के तहत यहाँ पे आए। तो 29 गार्डन के लिए ऑलरेडी 5 हियरिंग सिलीगुड़ी में हो चुके हैं, हम उस हियरिंग में भी हम लोग प्रेजेंट थे। अब दार्जिलिंग के लिए जो 84 बगाने प्लस वो जो ITC का 3 गार्डन्स बंद है, वो सबके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक वन मैन कमीशन जस्टिस AM सापरे जी का जो सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया, उसको उन्होंने उनको यहाँ पे भेजा। तो अभी 8th में ये एक हियरिंग करसिंग में हुआ, और आज 10th में यहाँ पे दार्जिलिंग में हुआ, जिसमें से एडवोकेट जनरल भी थे, आए थे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से, और लेबर का और PF का, सारे डिपार्टमेंट मालिक पक्ष का और मालिक पक्ष के वकील, आज तो कुछ ट्रेड यूनियन भी आए थे, उन्होंने भी अपने पक्ष रखा, और हमारे वर्कर्स भी थे तो हमने अपना पक्ष रखा। तो पहले हमने ये किया कि एफिडेविट्स हमने फाइल किया था, हमारे जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस थे, ये चीज़ में घोटाला है, ये चीज़ में इशू है, उनके लिए जज साहब ने उनसे वो मांगा था और ऑर्डर सॉरी रिप्लाई मांगे थे, तो उन्होंने आज और ये कुछ दिन के अंदर
रिप्लाई देंगे तो वो 84 गार्डन हमें रिप्लाई देंगे कि हमारे क्लेम से, तो उसको वो डिनाई करेंगे। उस डिनाइल का जो एफिडेविट से हमें मिलेंगे, जो भी है डिनाइल है या एक्सेप्टेंस है वट एवर, वो एफिडेविट हमें मिलेंगे, उसका रीजॉइंडर एप्लीकेशन। फिर हमें ये नेक्स्ट डेट है फेबररी 7 फेबररी 8-9 को यहाँ पे, उससे बहुत आगे उन्होंने जज साहब ने कहा कि बहुत आगे ही आपको सबमिट करना है, तो हम सबमिट करेंगे। अभी तक तो ये 4-5 हेयरिंग चल चुका है। हाँ जी, इसमें कुछ भी निचोड़ कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ये 5-4 हेयरिंग नहीं 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 ऐसा नहीं है। ये 4-5 जो हेयरिंग है वो तराई डुअर्स के गार्डन्स है, उनके लिए ऑलरेडी उन्होंने कमिटी बना चुके हैं। उन्होंने अपने अपने टीम से लिया, लेबर से, पीएफ से और सारे जगह से लेके एक कमिटी बनाया है। उनके 29 गार्डनों में इन्वेस्टिगेशंस वगैरह चल रहे हैं। और हमारे ये फर्स्ट हेयरिंग है दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग के बगान के लिए फर्स्ट हेयरिंग है। तो आज जज साहब ने सारे हमारे वर्कर्स को सुना, उन्हें उनके ग्रीवियंस से सुना, उन्होंने नोट भी किए, तो उन्होंने हमें पक्का पता, क्योंकि हमें कहीं से न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे, जब हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहा था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा था, तो रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, ये कोई भी क्रिमिनल केस के अंदर नहीं, रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला है। तो हमारा ह्यूमन राइट्स, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों में जब फैक्ट्रीज में राइट्स वायलेट्स होते हैं, किसी को बॉन्डेड लेबर बनाता है, कहीं पे भी किसी के लिए भी अधिकार वायलेट हो जाता है ना, तब आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविज़न दिया है, मुझे नहीं, मुझे हुआ नहीं है वो, मैं उस चीज़ का पीड़ित नहीं हूँ, आप पीड़ित हो, तो आपके लिए, आपके हित के लिए मैं अपना याचिका दर्ता कर सकती हूँ सुप्रीम कोर्ट में। इस पर अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, और किसी दूसरे के हित के लिए जनहित याचिका हम दर्ज कर सकते हैं। अभी तो बाहर का जितना भी गार्डन बंद था वो सब खुल रहे हैं। हाँ, तो खुलेंगे, ये तो खुलेंगे ना, अब बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। देखिए, हमें तो कहना किसी को भी कुछ भी नहीं है, सारे लोग काम कर ही रहे होंगे, इतने साल में कर रहे होंगे, पर हमें कहीं पे डेवलपमेंट नहीं दिखा। हम तो कुछ भी नहीं चाहते, हम तो ना पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, ना किसी चीज़ में करना चाहते हैं, हमारे अभी तक ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है, ना हमें यहाँ पे पैसा इकट्ठा करना है लोगों से, गरीबों से, ना हमें कोई ट्रेड यूनियन खोलना है, अभी तक हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। और हमने ये एक भी सिंगल, आप वर्कर से पूछ सकते हैं, एक भी सिंगल रुपया नहीं लेके हमने अपना पैसा लगा के, अपना दम पे हमने अपना रिसर्च बेस में ये पिटीशन डाला है। और अब तो बहुत सारे चेंजेस देखिए, कोई गार्डन्स में कभी बोनस नहीं मिलता था, वहाँ बोनस मिलने लग गए, कई गार्डन्स में कुछ फ्रेंच बेनिफिट्स नहीं देता था, वहाँ मिलने लग गए थोड़ा बहुत। अभी आप देखिए ना, हम लोग तो वर्ल्ड का फाइनेस्ट टी प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे हम लोग गार्डन में, कोई भी गार्डन में कुछ भी चीज़ पहले खेती करते हैं, हम अच्छी चीज़ खाते हैं ना, उसके बाद ही तो बेचते हैं। तो प्लांटेशन के अंदर ही बोला गया कि इनको अपना गार्डन का फाइनेस्ट टी इनको मिलना चाहिए, इनको बड़े अभी बोल रहा था, इससे अच्छा तो करेला का जूस है, मतलब ऐसा क्वालिटी का हमें मिलता, मतलब कुछ भी इनको नहीं मिलता। तो हम तो कुछ भी नहीं चाहते, गार्डन चलाएं, खूब चलाएं, मालिक लोग आए, मालिक तो मैं तो मालिक नहीं कहती इनको, कंपनी का मालिक है, पूरा पहाड़ का मालिक नहीं है, वो लोग तो लीज होल्डर है, वो लीज लेते हैं उससे, सरकार से लीज लेके आते हैं, तो कंपनी का ओनर्स जो भी है, गार्डन चल रहा है, पर इनका जो भी पाने अपना मजदूरी करके, आज मैं काम करती हूँ किसी के लिए कोर्ट में जाती हूँ, किसी के लिए कुछ काम करती हूँ, उनको रिलीफ देती हूँ, तो मैं फीस लेके करती हूँ ना, क्योंकि वो मेरा मेहनत का फल है, मेहनत का मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मेरा भी तो सर्वाइवल है, तो वो चीज़ें होती है। पर हम नहीं करते, हम लोग न्याय एक एनजीओ है, हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रो बोनो केसेस करते, फीस लेने वाला क्लाइंटल हमारा अलग होता है। उन्होंने बोला कि मिनिमम वेजेस और पर्जा पट्टा को लेकर वो चेंजेस आ जाएंगे और बात, तो ठीक है ना, ठीक है, आना चाहिए ना, वो तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हमने नेता बनाया, उनको वोट हमने जिताया, उनको सीएम ऑफ द स्टेट हमने बनाया, लेबरों ने बनाया, उनका रिप्रेजेंटेटिव हमने खड़ा किया। आज गार्डन में देखिए, मैं कहती हूँ 70% पॉपुलेशन गार्डन्स में है, हमारे जितने भी पॉपुलेशन 30% पहाड़ों इधर ऊपर है, तो गार्डन्स में जितना भी पॉलिटिक्स होता है ग्रास रूट्स पे होते हैं, तो यही लोगों को उठा उठा के जनसभा में ले जाते, जनसभा में उठा से इधर ले जाते, उधर ले जाते, और बोलते कि सारे घर लौरी करके आ जाओ, घर बंद करके आओ, गार्डन बंद करके आओ, तो तुम्हारे को तो डेवलप करने के लिए उठाने के लिए कर रहे हो, ये तो आपको बहुत पहले करना चाहिए था, आज क्यों कर रहे हो आप, जब सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो गया, तो आप क्यों कर रहे हो ये चीज़ अभी, ठीक है ना, आपको पहले करना चाहिए, आप तो स्टेट का मिनिस्टर हो, आओ, आपका राइट है, अधिकार है, देखो आप मिनिमम वेजेस डालो, बनाओ, हम करें आप करें एक ही है, मिलना चाहिए
श्रमिक को अधिकार मिलना चाहिए। हम तो अधिकार लेके ही मानेंगे क्योंकि हम लोग वकील है तो देश के संविधान में हम विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल नेता को मैं कोई किसी को कभी भी मैं गाली वाली नहीं देती, अन्यथा नहीं बोलती, मैं उनको रिगार्ड करती हूँ। पॉलिटिक्स तो होता ही है देश में, हमारे हाईएस्ट लेवल ऑफ द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमारे देश में है। जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे पॉलिटिक्स चलता है। आप पॉलिटिक्स खूब करो पर किसी का राइट्स वायलेट मत करो। तो आप अच्छे से आओ, ठीक है, अच्छे से आओ, आप काम करो। आप हम नहीं दे सकते वेजेस तो आप दो, आप नहीं दे सकते तो हम दो, मिलके काम करो ना, है ना। तो आप हम आज दे रहे तो आप कल दो, कल दे रहे तो परसों। अल्टीमेटली तो बेनिफिट्स किनको मिलना है, वर्कर्स को मिलना है ना। तो आपको आना चाहिए, बार बार आना। अभी क्यों आ रहे हो आप, अभी फर्स्ट टाइम क्यों आ रहे हो, सेकंड टाइम मुझे नहीं पता। क्योंकि पहले आए होंगे वन मंत्री, आए होंगे श्रम मंत्री, आए होंगे कोई भी आए होंगे किसी भी चीज़। आप जाओ अपनी मिनिस्टर को बोलो कि इनका राइट है। अब ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने कहा पहले कि अगर हम पर्जा पट्टा देंगे तो बिजनेस कहाँ से करेंगे। अरे मैडम, पहले तो हमारा फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये दुनिया एक ह्यूमन राइट्स के आधार पर चलते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमिटी होता है, कमीशन होता है, देश में ह्यूमन राइट्स है, दुनिया में ह्यूमन राइट्स के बिना कुछ भी चीज़ आधार नहीं है। पहले तो जनता तो बचाओ, ये तो खुद ही आपको बिजनेस करके दे देंगे ना। इनको पर्जा पट्टा भी दोगे तो ये बिजनेस करेंगे। चाय सुंदरी के नाम पे क्या हो रहा है, ये आप थोड़ा नीचे जाइए, रंगनी टी स्टेट, रंगनी टी स्टेट को पेल के मतलब उसको पूरा उजाड़ दी, कितना एकर्स ऑफ लैंड। उन्होंने बोला चाय सुंदरी के नाम पे कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, होटल करेंगे या कुछ भी करेंगे। अरे चाय सुंदरी आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि हेल्दी बुशेस को उखाड़ो, वहाँ के ट्री अननेसेसरी कटिंग करो, फॉरेस्ट ने उनको डैमेज लगाया, ठीक है। और वहाँ पे जाके आप देखो पूरा पूरा तहस नहस कर रखा है। उनको बोला गया कि यहाँ पे 5-स्टार होटल बनेंगे तो लोग की खुश हो गए कि अगर यहाँ पे ये टी अगर उपजनी में कम हो रहा है तो 5-स्टार होटल होना चाहिए। फिर 5-स्टार होटल होने के टाइम में क्या हुआ कि बाद में पता चला कि वहाँ पे तो एक क्या बोलते हैं उसको अपार्टमेंट्स बन रहे, ये सोसाइटी बन रहे, जो भी हो रहा है। आप उत्तरायण का कहानी देखो ना, उत्तरायण में तो क्या था, गार्डन था, वहाँ के लेबर को उखाड़ के फेंक दिया। आज वो सारे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोगों के घर में लेबर के काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। तो हमारा फ्यूचर ये नहीं होना चाहिए। और उनको पर्जा पट्टा दो, उनको अच्छे से रखो तो वो आपको प्यार करेंगे, वो आपको और वोट देंगे। हमारे 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 कोई भी इस तरह से किसी से भी नहीं है। हमारे लोगों को आप अच्छा करोगे तो आपको रिप्लाई भी अच्छा ही मिलेगा। ये तो आपको आपको करना चाहिए, बल्कि आपको पहले आके आगे मूव फॉरवर्ड होके काम करना चाहिए। और इस तरह से चाय सुंदरी के टी टूरिज्म क्या होता है, टी टूरिज्म में वर्कर्स के घर में मतलब घर में जाके गेस्ट रहें, उनका इनकम पर कैपिटा इंक्रीज हो, हैं उनके उनके लिए बेनिफिट हो, वो अपना मतलब ये जो चाय में जितना मिलता है वो तो कुछ भी नहीं है, अपना डेवलपमेंट करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। इनकम पर कैपिटा मैंने आपको बता दी, ये सब डेवलप हो करके तो ये सारे स्कीम्स होते हैं। तो आप तो क्या करते हो, चाय बगान का मालिक जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होता है वही वहाँ पर रिजॉर्ट बना देता है, 5-स्टार बना देता है। इस पर इनके डेवलपमेंट क्या हुआ। एक मैंने एक बड़ा 5-स्टार होटल में पहाड़ में सुना, वो भी बगान में अभी बना है। हमारे ड्राइवर, पहाड़ के ड्राइवर भाई लोग जब जाते हैं ना कहते हैं कि गाड़ी से मत उतरो। ड्राइवर एनिमल है क्या, इंसान नहीं है। किसी को 5-स्टार में ड्रॉप करने जाते हैं वो ड्राइवर उतर नहीं सकते वहाँ पे, कौन सा न्याय है। बड़े बड़े मुंबई दिल्ली कहीं का 5-स्टार में तो ऐसा नहीं सुना हमने। तो ये सारे सपरेशन है, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए, पहाड़ों को नेता को ये चीज़ें देखना चाहिए। इजी बना दो लोगों का लाइफ, सिस्टम इजी बना दो। आप जैसे लोग काम करने लगे तो हमारे तो कोई ज़रूरत नहीं, हम तो अपना नौकरी पेशा में हम लोग खुश है। हम लोग जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, जहाँ पे हमारे लड़कियों को बेचबीखान होते हैं, मतलब एक्चुअली मैं एक सोशल वर्कर होके चाय बगान का मुद्दा क्यों उठाए ये भी आपको मैं छोटा सा मैं बता दूँ। हमारे इतने सारे लोग माइग्रेट हो रहे हैं दिल्ली मुंबई अदर मेट्रो सिटीज़ में, हमारे और का दूसरे के स्टेट में जाके वो लोग काम करते हैं। उस टाइम क्या होता है कि इनको बेचते हैं, कितने सारे लड़कियों को बेचते हैं वहाँ पे, उनको कितना बदतर अवस्था में रखते हैं। ऐसे 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 वर्कर्स को ले जाएंगे, क्या काम देंगे, बर्तन धुलाएंगे, बॉन्डेड लेबर बनाते हैं। तो क्राइसिस इतनी बड़ी है, तो हमारा या तो आप लोग ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, बहुत कुछ करो आप, बहुत कुछ, बहुत काम करने को यहाँ पे, और हम कर भी सकते हैं। हम लोग इतना रिसोर्सफुल एरिया के लोग हैं और हमारे लोग इतना लेबर है, इतना एक्टिव है, इतना अच्छा साफ सुथरा है, ऑल ओवर इंडिया के लोग इनको प्रेफर करते हैं काम कराने में। तो चाय बगान में जो है वो तो ये हाल है, तो आगे तो क्या ही करेंगे ना।